हेलो दोस्तों, सूरज कंप्यूटर्स में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक लिनोवो का लैपटॉप आया है, जिसका मॉडल है लिनोवो फ्लैक्स 14। इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसमें डिस्प्ले नहीं बनता। जब भी हम इसको ऑन करते हैं तो इसमें डिस्प्ले नहीं बनता। आप देख सकते हैं कि मैं अभी इसे ऑन कर रहा हूँ, ये ऑन हो गया, इसका फैन जो है घूमने लगा, लेकिन इसमें अभी डिस्प्ले नहीं बनेगा। आप देख सकते हैं कि मैंने इसे कीबोर्ड कनेक्ट कर रखा है, लेकिन इसमें डिस्प्ले नहीं बनता। हमने इसे डायग्नोस किया, उसके बाद प्रॉब्लम ये पाया कि जब भी हम इसका डिस्प्ले का वायर, जो इसके लैपटॉप के साथ डिस्प्ले होता है, उसको कनेक्ट करते हैं, तब इसमें डिस्प्ले नहीं बनता। जैसे ही हम इसके डिस्प्ले का जो वायर है उसको निकाल देते हैं, तो उसके बाद इसमें डिस्प्ले कीबोर्ड पर आने लगता है। आप ये भी देख सकते हैं कि अभी ये मैंने डिस्प्ले का वायर निकाल दिया है। अब इसको हम फिर से पावर ऑन करते हैं। आप देख सकते हैं मैंने लैपटॉप को दोबारा से ऑन कर दिया है, और अभी आप देख सकते हैं कि कीबोर्ड पर डिस्प्ले बनने लगा। अगर इस तरह क्या है कि आपके भी लैपटॉप में प्रॉब्लम आती है, तो आप सूरज कंप्यूटर को कॉल कर सकते हैं। हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।